भाई इंडिया में ना हर घर में एक बहुत कॉमन सी चीज़ पाई जाती है, आपको पता होगा लेकिन अभी याद नहीं कर पा रहे होगे। कॉमन सी चीज़ की बात करें तो टीवी और बीवी हर घर में पाई जाती है 99% घरों में। अब भाई बीवी के अपने खर्चे होते हैं, बीवी के अपने नखरे हैं, टीवी के भी अपने नखरे हैं। बीवी भाई आप संभालो आपका टीवी, मैं संभालता हूँ। कैसे देखते रहिए क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ, देखो अब। चलिए अब बात करें टीवी की, तो क्या है टीवी तो खाली यार देखोगे नहीं, मतलब क्या मस्त लगेगा ना ब्लैक स्क्रीन करके खाली खाली देखते रहोगे, तो नहीं। टीवी इंडिया में चलाने के लिए, क्योंकि इंडिया में क्या है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अडॉप्ट नहीं हुई है, तो इंडिया में जो टीवी का एक इकलौता सोर्स रहता है जो उसको एनर्जी देता है, पावर देता है, वो है यहाँ पे डीटीएच। मतलब कि टीवी देखने के लिए भाई डीटीएच लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर कोई स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ नहीं कर सकता है। अब डीटीएच लगाने के लिए आपने कितने पैसे दिए होंगे बताओ, याद करो। याद तो हो गई आपको? नहीं हो रहा, मैं याद दिलाता हूँ। अगर आपने टाटा स्काई लगाया होगा तो आपने दिए होंगे कुछ 1500 रुपये, एयरटेल लगाया होगा तो आपने दिए होंगे भाई 1200 रुपये, शाहरुख खान वाला है ना वो डिश टीवी, वो लगाने के भी कुछ 1200-1300 रुपये है। मतलब सबके अपने अपने चार्जेस हैं, जो भी है वो 1000 रुपए के ऊपर ही है। 100 रुपए होते तो बात ही क्या होता है। लेकिन भाई यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पापा हैं सबके ना, गॉड फादर इंडिया में जो सबके पापा हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई यहाँ पे आ गया फिर से अपना डंडा लेकर। उन्होंने इन सारे केबल ऑपरेटर जितने भी होते हैं ना, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपकी टीवी को जिंदा रखने के लिए, इन सब पे कर दिया डंडा। डंडा क्या कर दिया है, अब ट्राई ने ये बोला है कि भाई कोई भी डिश टीवी, कोई भी टाटा स्काई, कोई भी एयरटेल, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर कस्टमर इंस्टॉल कराता है अपने घर पे डीटीएच का, तो उसको मैक्सिमम जो चार्ज कर सकती है कोई भी ऐसी कंपनी, वो कर सकती है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। 1500 रुपये दे रहे थे पहले, अभी दे रहे हो आप 500 रुपये, मतलब कि 500 रुपये में टीवी के नखरे भी हो गए और 1000 रुपये में बीवी के नखरे भी हो गए। देखो दोनों यहाँ पे काम बन गया भाई। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए सबसे पहले ना नीचे जाके चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब यहाँ पे 500 रुपये को बाइफर्केट करें तो यहाँ पे देखो कैसा है कि 500 रुपये में 350 रुपये जो है वो डिवाइस का कॉस्ट होगा और 150 रुपये जो होगा वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगा। मतलब कि वो छतरी सी लगती है ना, जो छत पर बड़ा सा कटोरा लगता है जिसमें आप ना कभी कभी खाना वाना डाल के खा सकते हो, वो कटोरे का चार्ज, और नीचे जो चाइनीज का डब्बा लगता है ना जिसके साथ वो 100 रुपये वाला रिमोट आता है ट्रेडिशनल वाला IR based। तो जो आपका सेटअप बॉक्स है, जो छतरी है, इन दोनों की जो कॉस्ट मिला के होगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना होगा 500 रुपए। एक्चुअल कॉस्ट जो आती है उस छतरी को और उस डब्बे को बनाने में, वो यहाँ पे आती है लगभग 2500 से 3000 के बीच में। लेकिन यहाँ पे अभी तक ये आधा कॉस्ट आपसे लेते थे, आधा कॉस्ट अपनी जेब से देते थे। अब यहाँ पे देखो डिवाइस की कॉस्ट भी बढ़ गई है, क्योंकि 500 रुपए में डिवाइस का खर्चा कैसे निकलेगा। लेकिन ट्राई ने यहाँ पे साफ साफ बोला है इन सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स को कि भाई अब जो है सिर्फ और सिर्फ आप 500 रुपए ही चार्ज कर सकते हो, इससे ज्यादा आप किसी भी कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज हो सकती है, अब क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे जितने भी नेटवर्क प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ये एक दूसरा गेम खेलेंगे। ये क्या करेंगे, प्राइस रखेंगे 1500 रुपए 1200 रुपए, उतना ही रखेंगे, 500 तो नहीं आने वाले, इंडियन कंपनी है, बड़ी ढीठ होती है। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको 500 रुपए जो होंगे वो उसमें से काट लिए जाएंगे और बाकी मान लो आपने 1500 रुपए पे किए, तो अब क्या होगा कि 500 रुपए उसमें आपके भाई बराबर हो गए डब्बे उब्बे के, बाकी जो 1000 रुपए है वो आपका चला जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट खाते में। मतलब कि आप कभी भी मतलब भूले भटके कभी जाके आप वो करते यार मैं इससे परेशान हो गया हूँ, मेरे को केबल ऑपरेटर ही चेंज करना है, तो अगर आप अपना सेटअप बॉक्स बंद करवाते हो उस कंडीशन में, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको आपके 1000 रुपए वापस करने होंगे या जो भी रिफंडेबल अमाउंट है वापस करना होगा। तो यार ये यहाँ पे ट्राई का नया रूल आया है और अच्छा रूल है, क्योंकि क्या है ट्राई इनको डंडा करता है, वो इसको डंडा करता है, लेकिन अंत में जो फायदा होता है वो होता है हम लोगों का। तो यहाँ पे जो फायदा हुआ है भाई आपके सीधे सीधे 1000 रुपए बच रहे हैं। अभी यहाँ पे ट्राई ने एक और नया रूल बताया, अभी क्या रूल है कि पहले क्या है? पहले ना आपस में इन सबके नखरे बहुत थे, मतलब वो एयरटेल बोलता था मैं उसका छूंगा नहीं, टाटा स्काई बोलता था मैं एयरटेल की नहीं छूंगा, हम दोनों एक दूसरे की चीजें छूएंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या है ट्राई ऐसा बोलता है कि यार अब कस्टमर क्या कर सकता है, अब कस्टमर के पास अगर सेटअप बॉक्स है, कस्टमर के पास अगर छतरी है, तो उसको नया खरीदने की जरूरत नहीं है, मतलब जो पुराने हैं, या फिर कस्टमर ऑप्ट कर सकता है कि वो बाहर से कोई अच्छा सा सेटअप बॉक्स खुद खरीद के लाए और वो सिर्फ फोन करे कि भाई मेरे को इस सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस चाहिए, तो वो जो है फॉर एग्जांपल टाटा स्काई है, तो वो आके आपके सेटअप बॉक्स पे पुरानी छतरी पे अपने सब कुछ इंस्टॉल करके जाएंगे यहाँ पे, और सिर्फ जो उनका इंस्टॉलेशन फी है, एक्टिवेशन फी है, वो चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे भाई आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। लेकिन अब कहाँ 500 रुपए के लिए आप जाओगे छतरी ढूंढने, ये ढूंढने, वो ढूंढने, 500 रुपए की बात है, जहाँ बीवी पे 1000 रुपए लगा रहे हो टीवी पे 500 रुपए नहीं लगा सकते, लगाओ। तो यार ये यहाँ पे खबर थी जो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि खबर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जनहित में जारी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको खबर समझ में आया होगा। और अगर आप आज के बाद, आज के पहले की गारंटी नहीं, आज के बाद आप सेटअप बॉक्स लगाने की सोच रहे हो तो ज़्यादा आपके पैसे यहाँ पे बच जाए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने अभी तक, इतने बेशरम तो हो नहीं आप, है ना, चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन आप वीडियो को शेयर कौन करेगा, लाइक कौन करेगा,
आप ही करोगे ना, तो करो ठीक है। और इंतजार करो अगली वीडियो का, अगली वीडियो में मैं फिर कुछ नया लेके आता हूँ आपके पास। तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे कर देते हैं खत्म, आगे मिलेंगे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।